जी तो अभी जो मौजू हमारे सामने है वो है पाकिस्तान का इम्तिहानी निज़ाम। और हम सब ये जानते हैं कि किसी भी मुल्क के जो तालीमी मुस्तकबिल है उसके अंदर उसके इम्तिहानी निज़ाम का बहुत अहम किरदार होता है। और ये बात भी हम सब जानते हैं कि जो इम्तिहानी निज़ाम है अगर वो कमज़ोर हो तो ये मुमकिन नहीं है कि उससे जो हासिल होने वाली प्रोडक्ट है यानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो माशरे के मुफीद शहरी बन सकें या वो अपनी उन तालीमी जो काबिलियत है उसको माशरे के अंदर मनवा सकें। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2015, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो पुअर क्वार्टाइल है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, उनका 87% जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जबकि जो उसका बाकी मानदा जो 9% है वो पढ़ता है आपके प्राइवेट स्कूलों में। तो ये जो रेशो है ये बताती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं पाकिस्तान के वो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं और उनकी जो फीसेज हैं और जो मुख्तलिफ फंड्स हैं और जो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो वालदैन से जो पैसे ईंट रहे हैं वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक गरीब आदमी जो है ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाए। लिहाजा उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो सरकारी स्कूल के अंदर जाए और सरकारी स्कूल के अंदर जो है वो अपने बच्चों को तालीम दे। तो दूसरी तरफ अगर आप इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जो रिचेस्ट लोग हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, अगर आप उनको देखें तो उनका जो है वो 38% जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जबकि 61% जो पाकिस्तान के अमीर लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इससे एक बार फिर ये बात कंफर्म होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो असल में अमीर आदमी के स्कूल्स हैं और जो पाकिस्तान के सरकारी स्कूल्स हैं वो गरीब आदमी के स्कूल्स हैं, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना पसंद नहीं करते और गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूलों में चाहते हुए भी नहीं पढ़ा सकते। तो फ़र्क जो है वो दोनों तरफ वो बड़ा साफ ज़ाहिर है। ज़ाहरी बात है कि जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने बच्चों की तालीम पर ख़र्च करने की, और दूसरी तरफ जो सरकारी जो हमारा निज़ाम तालीम है वो तेज़ी से दगरगूँ है और वहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो सरकारी शोबे से जो स्कूल्स हैं उनसे वो भी उठता जा रहा है। उसकी वजह ये नहीं है कि सरकारी टीचर्स जो हैं वो इनकेपेबल हैं या वो पढ़ा नहीं सकते, उसकी वजह दरअसल ये है कि जो इम्तिहानी निज़ाम है उसके अंदर इतनी शदीद खामियाँ हैं कि जो हमारे जो तलबा हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी असल कारकर्दगी सामने नहीं आ सकती, क्योंकि हमने अपने जो सरकारी टीचर्स हैं उनकी प्रमोशन को, उनकी जॉब को, उनकी तनख्वाह को, इवन उनकी ट्रांसफ़र को उनके बच्चों के रिज़ल्ट के साथ मशरूत कर दिया, और फिर वो ज़ाहरी बात है कि वो फिर इस रिज़ल्ट को बेहतर करने के लिए और अपनी नौकरियों को बचाने के लिए वो हर वो जायज़ या नाजायज़ काम करते हैं जिससे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो बेहतर हो सके। तो यकीनन ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है जिसकी वजह से हमने सरकारी टीचर्स को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो सिस्टम को मैनिपुलेट करें और सिस्टम के अंदर वो फ्लॉज और वो लूप होल्स को इस्तेमाल करते हुए बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें जो कि असल में बेहतर नहीं है, और ये असल में हमारे असेसमेंट सिस्टम की यानी इम्तिहानी निज़ाम की नाकामी है। अब आप अगर हम इसी रिपोर्ट के अंदर ये देखें, 2015 की ये रिपोर्ट है असर की, अगर हम इसी रिपोर्ट के अंदर ये देखें कि वो जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो उर्दू है और इलाकाई ज़ुबानें हैं उसके हवाले से जो ये बच्चे हैं 69% बच्चे क्लास 3 के ये क्लास 2 की स्टोरी नहीं पढ़ सकते। ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि जब इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी स्कूल्स हैं उनका सर्वे किया तो इसे ये पता चला कि क्लास 3 के अंदर जो स्टूडेंट मौजूद थे उनका 69% जो है वो क्लास 2 की स्टोरी जो है वो नहीं पढ़ सकते उर्दू में, या रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो सिंधी में या पश्तो में वो जो स्टोरीज है रिटर्न स्टोरीज थर्ड क्लास का बच्चा वो क्लास 2 की नहीं पढ़ सकता। ये एक बात हो गई। उसके बाद आप ये देखें कि 43% स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 2 के वो सेंटेंसेस नहीं पढ़ सकते, यानी थर्ड क्लास के 43% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 2 के सेंटेंसेस को रीड नहीं कर सकते। इसी तरह क्लास जो 3 है उसके 73% स्टूडेंट्स और क्लास 5 के 39% स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 2 की इंग्लिश के सेंटेंस नहीं पढ़ सकते। इसी तरह 44% क्लास 5 के
32% क्लास 6 के और 24% क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो क्लास 3 की तीन हिस्सों की तकसीम नहीं कर सकते। ये है हमारा मौजूदा स्ट्रक्चर, हमारा एजुकेशनल असेसमेंट स्ट्रक्चर। हम बच्चों को बगैर स्किल्स दिए हुए अगली क्लासों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के अंदर वो सलाहियतें मौजूद नहीं हैं कि वो उस क्लास के अंदर उनको इस वक्त होना चाहिए। तो ये ख़राबी जो है असेसमेंट सिस्टम की कि बच्चे जो हैं अपने असातिज़ा की मदद से या असातिज़ा की मदद के बगैर वो असेसमेंट सिस्टम को चीट करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं और वो अगली क्लासों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन असल में वो अगली क्लासों में जाने के काबिल नहीं होते। आगे आप देखें पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है, फिफ्थ और एट्थ क्लास के एग्ज़ाम्स के हवाले से अगर आप बात करें तो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन एक बड़ा मशहूर इदारा है जो 2005 में बनाया गया था। इसको एक ऑटोनमस बॉडी बनाया गया था। इसका काम ये था कि ये स्कूल्स की मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट करेगा, एनालिसिस करेगा उन रिजल्ट्स का, उस पर रिसर्च करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा और उसके बाद फ्यूचर स्ट्रेटजी भी डिज़ाइन करेगा अपने असेसमेंट सिस्टम के ज़रिए। लेकिन इस इदारे को बने हुए जो है वो 12 साल हो गए हैं और 12 साल के अंदर आपने ये देखा है कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो बुरी तरह से फेल हो गया है। और अब आप ये देखें कि जो इसके प्राइमरी के इम्तहान हैं पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के, आठवीं क्लास के जो इम्तहान हैं वो बहुत बुरी तरह से मैनेज किए जाते हैं। वहाँ पे जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, चीटिंग बहुत ज़्यादा है, टीचर्स जो हैं वो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो जैसे मैंने पहले बताया कि सरकारी टीचर्स जो हैं वो जो पढ़ाना भी चाहते हैं, जो मेहनत भी करना चाहते हैं, उनको भी सिस्टम इस काम पे मजबूर कर देता है कि वो करप्शन करें, क्योंकि अगर एक बच्चा जो है उसके अंदर ये स्किल नहीं है और वो फेल हो गया है तो महकमा जो है, महकमा तालीम जो है वो इस बात की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर देता है और वो जो टीचर हैं सरकारी जो भी जिस भी स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं वो ना सिर्फ उनकी बाज़ अवक़ात पे रुक जाती है, बाज़ अवक़ात उनकी प्रमोशन रुक जाती है, बाज़ अवक़ात उनकी तनजली हो जाती है। तो ये जो खौफ हैं इनकी वजह से टीचर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि असेसमेंट को मैनिपुलेट करें और सिस्टम को सिस्टम के अंदर से जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको पास करके निकाल लें। हालांकि जैसे मैंने आपको अभी पीछे रिपोर्ट शेयर की है कि हमारे जो बच्चे पाँचवीं क्लास में हैं या छठी क्लास में हैं या सातवीं क्लास में हैं वो इस काबिल भी नहीं है कि वो क्लास थर्ड की तकसीम जो है उसको अच्छी तरीके से कर सकें। तो ये एक सूरत हाल आपने देखी। और आपने पिछले साल ये देखा था, अखबारों में ये रिपोर्ट हुआ था कि जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स थे उनके अंदर जो पेपर थे वो बार वक्त नहीं पहुंचते थे। जो पेपर 2 बजे होना था वो पेपर जो है वो तकरीबन 2:30 बजे या 2:45 बजे शुरू होता। इसी तरह बाद सेंटर्स में ऐसा हुआ कि पेपर 2 बजे वाला पेपर 3:30 बजे शुरू हुआ। और ये जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट की जो इशूज़ हैं पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के साथ, जो हमारी सबसे बैक बोन है हमारी असेसमेंट की, क्योंकि फिफ्थ और एट्थ क्लास के एग्ज़ाम्स ये इदारा लेता है सरकारी तौर पर, लेकिन इसकी अपनी मैनेजमेंट का ये हाल है कि इनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। और इसी तरह आप ये देखें कि कई बच्चे ऐसे थे जिनके रोल नंबर स्लिप्स इशू नहीं हो सकी टाइम पे, कई बच्चे ऐसे थे जिनकी रोल नंबर स्लिप तो थी लेकिन उस पर तस्वीर किसी और बच्चे की थी। तो ये जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जब ये बच्चे जब भी आए तो पता चला कि इदारे के अंदर जो मैनेजमेंट है वो इंतहाई बुरी है और वो वीक है, जिसकी वजह से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, आपको पता है कि कई साल इसने दरमियान में से इम्तहान लिया भी नहीं है। फिर इसी तरह जो है वो ऐसा भी ये देखने में आया आज से 2 साल पहले कि कसूर में, गुजरावाला में, शेखुपुरा में, रहिंदियार खां में, मुल्तान में जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं उनके आंसर्स जो है वो वक्त से पहले जो है वो एसएमएस लोगों के पास आ गए, यानी पेपर जो है वो लीक आउट हो गए। तो इससे पहले के बच्चे पेपर लेते हैं उनको पहले ही पता था कि जो इम्तहान जो हमारे पास इम्तहान आ रहा है, जो जो पेपर आएगा उसका उसके आंसर्स जो थे वो उनके पास पहले से मौजूद थे। तो फिर इसी तरह जो आप ये देखते हैं कि ये जो आपके जो मीडिया है उसके अंदर आप मल्टीपली आपने ये न्यूज़ देखी होंगी कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, आप सिंध के अंदर आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि जो बच्चे हैं वो किताबों से देख के पेपर हल कर रहे हैं, और आपको कराची के अंदर ऐसे सेंटर्स आपको नज़र आएंगे जो सेंटर है ही नहीं लेकिन वहाँ पर बोर्ड के पेपर हल होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे ये पता चलता है कि हमारा असेसमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और असल में हमारे असेसमेंट सिस्टम की वीकनेस की वजह से ही हमारे जो बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं उनकी डिग्रीज़ की वर्थ नहीं है दुनिया में, क्योंकि जो वो नंबर्स हासिल करते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर करप्शन से ही हासिल किए हों, वो नंबर मेहनत से भी हासिल किए हों, लेकिन सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उससे इंटरनेशनल कम्यूनिटी का हमारे सिस्टम के ऊपर कोई ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। वो ये समझते हैं
कि हमारे यहाँ ये जो नंबर हासिल किए जाते हैं ये करप्शन से हासिल किए जाते हैं, हमारा असेसमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो रिज़ल्ट मार्कशीट्स हैं उनके ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर दुनिया जो है वो यकीन करने से इनकार कर देती है। उसके बाद अब आप आगे आए तो आप ये देखें कि मार्किंग के अंदर जो है वो कितने ज़्यादा फ्लॉज हैं। मार्किंग के अंदर हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सके, मार्किंग को पेपर चेकिंग को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सके। हमारे मार्किंग सेंटर्स के अंदर जो टीचर है वो जब पेपर को चेक करता है तो उसके साथ एक ख़ास अमाउंट नहीं होती है। फ़र्ज़ करें उसको एक पेपर को चेक करने के 30 रुपये मिलते हैं तो उस टीचर की ये कोशिश होती है कि वो जो 7 या 8 घंटे बैठ के एग्ज़ाम सेंटर में जो पेपर चेक करता है उसकी कोशिश होती है कि मैं जो है वो 300 या 400 या 200 या पेपर हल जो है वो चेक कर लूँ ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बन सकें शाम को। तो लिहाजा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने की कोशिश करता है तो जो क्वालिटी ऑफ जो चेकिंग होती है, जो असेसमेंट होती है, वो शिद्दत से मुतासर होती है। वो ज़्यादा पेपर तो चेक कर लेता है लेकिन वो ज़ाहरी बात है जब वो तेज़ी से काम करेगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करने की कोशिश करेगा तो जो क्वालिटी है वो मुतासर होगी और पेपर जो है वो उतनी ईमानदारी से और उतनी सफाई से वो चेक नहीं किए जा सकेंगे जिस तरह से उनको चेक किया जाना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है हमारे असेसमेंट सिस्टम की खराबी की। अब आप देखें कि पिछले साल जो है वो 5वीं क्लास के 1.2 मिलियन बच्चों ने इम्तिहान दिया और जो 8वीं क्लास है उसके 1.6 मिलियन बच्चों ने जो है वो इम्तिहान दिया। लेकिन जो है वो आप ये भी देखेंगे जो 2014 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2014 के अंदर जो पेपर्स थे उनके लीक आउट होने की मैंने आपसे बात की है कि वो किस तरह से लीक आउट हुए और वक्त से पहले जो थे वो पेपर्स जो थे वो सेंटर्स में और स्कूलों के पास वो पहुँचे और वो बच्चे जो थे उनको पहले से पता था कि ये जो पेपर है जो आने वाला है वो क्या है। और फिर आप अगर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का अगर आप बोर्ड स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे सारे सिफारशी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। आप उनके चेयरमैन से लेके और नीचे तक आप उनकी हायरार्की में लोग देखें तो वो सारे के सारे पॉलिटिकल लोग हैं और अगर वो एजुकेशन से लिए भी गए हैं तो वो सारे के सारे ऐसे हैं जिनका असेसमेंट के अंदर कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, असेसमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं की उन्होंने, उनकी PhDs जो हैं वो किसी और शोबे में हैं और वो असेसमेंट के जो हैं वो चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। तो जब एक आप ऐसे लोगों को जो है वो ऐसे इदारों के अंदर बिठाएंगे जिनकी कोई एबिलिटीज ही नहीं है और जो कुछ कर ही नहीं सकते, जिनके पास मतलूबा सलाहियतें ही नहीं हैं, तो वो असेसमेंट को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि ये स्पेशलाइज्ड जॉब है असेसमेंट जो है, यानी इम्तिहानी निज़ाम जो है ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। लेकिन हमारे लाहौर बोर्ड की आप बात कर लें, आप फैसलाबाद बोर्ड की बात करें, बावलपुर बोर्ड की बात करें, कराची बोर्ड की बात करें, आप देखेंगे इनके चेयरमैन हमेशा जो है वो सिफारशी लोग लगाए जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि जो ये तलीमी इदारे हैं या ये जो असेसमेंट के जो सेंटर्स हैं हमारे, ये बोर्ड्स हैं, इनके चेयरमैन ऐसे लोगों को नहीं लगाया जाता जिनकी उस शोबे में महारत हो, जो असेसमेंट को बेहतर कर सकें, जो सिस्टम को बेहतर कर सकें, बल्कि ऐसे लोगों को लगाया जाता है जो कि जी हजूरी बेहतर कर सकें। तो जब तक हम जो है वो अपने जो क्या कहना चाहिए मैनेजर्स जो हैं, जो हमारे असेसमेंट मैनेजर्स हैं, जब तक वो हम सिफारशी भर्ती करेंगे और ऐसे लोगों को भर्ती करेंगे जिनको असेसमेंट के लिए भी नहीं पता, तो असेसमेंट बेहतर कैसे हो सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। जो मैं अब आपको रीज़न बता रहा हूँ कि असेसमेंट के सिस्टम की नाकामी जो है वो क्या है, पहली मैंने आपको रीज़न ये बताई थी, मैं दोबारा आपको याद दिला दूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको महकमे की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपने रिजल्ट्स को बेहतर करें। और वो आप ये भी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके वालदैन उनको सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर इसीलिए डालते हैं कि उनको वो समझते हैं कि ये बस पास हुए तो हुए, ना हुए तो ना हुए, पढ़ गए तो पढ़ गए, ना पढ़े तो ना पढ़े। लिहाजा उनके वालदैन की सपोर्ट जो है वो ज़ीरो होती है। तो वो जो टीचर्स हैं वो ये फिर कोशिश करते हैं क्योंकि महकमा ये कहता है कि अगर आपने इनको पास ना किया, ये पास ना हुए आपके बच्चे, तो हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, ये भी हो सकता है कि आपकी प्रमोशन रुक जाए, ये भी हो सकता है आपकी तनख्वाह रुक जाए। तो वो अपनी जॉब को बचाने के लिए वो फिर अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं कि वो बच्चे किसी तरह पास हों और उनकी इज्जत बचे। दूसरा मैंने आपको रीज़न ये बताया असेसमेंट की नाकामी का कि हमारे पास जो कोर टीम्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो हमारे बोर्ड्स के अंदर बैठे हुए हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो असेसमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकें। वो सिफारशी लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबों से गवर्नमेंट ले लेती है। आप मैंने आपको तमाम बोर्ड्स की, लाहौर बोर्ड से लेके और कराची तक और पिशावर तक जितने भी ये बोर्ड्स हैं, इनके अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है
जो चेयरमैन हो और उसने पीएचडी की हो असेसमेंट में, जिसका नॉलेज हो, सिस्टम्स का नॉलेज हो, जिसको एग्जामिनेशन सिस्टम की समझ हो, ऐसे लोग नहीं है। बल्कि ये यूनिवर्सिटियों से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से सिफारशी लेक्चरर और प्रोफेसर पकड़ के उनको इस काम पे लगाते हैं कि भई आप आएँ और ये हमारी जीए जरूरी करें। तो जब तक आपके मैनेजर्स जो हैं वो नहीं अच्छे होंगे, उस वक्त तक सिस्टम कैसे बेहतर हो सकेगा। और फिर आगे आप देखें कि हमारे यहाँ जो है ये कितना ज़रूरी है कि ये आज से, जिस वक्त हम पाँचवीं या आठवीं क्लास में पढ़ते थे तो उस वक्त जो बोर्ड होता था पाँचवीं या आठवीं क्लास का, वो लोकल लेवल पे होता था, लोकल एईओ एग्ज़ाम लेता था। उस वक्त बोर्ड जो था वो काफ़ी बेहतर था, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस बोर्ड को सेंट्रलाइज किया, इसको मरकज़ से उठाया, मरकज़ से तहसील से भी उठा लिया, डिस्ट्रिक्ट से भी उठाया और इसको पंजाब में ले गए ज़्यादा फंड खाने के लिए। बाहर से आने वाले जो फंड हैं यूएस एड के और दूसरे जो फंड्स आते हैं यूके एड के और जायका के फंड्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको खाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ये काम किया कि ये सारा काम मुकामी सतह से उठाया और इसको सेंट्रलाइज कर दिया। और जनाब एक इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स बना दिए, जिस तरह पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इन्होंने बनाया। अब ये पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, वो ऐसे पेपर्स बाद बना देता है जो कि, या तो ऐसे पेपर बना देता है जो कि बच्चों की पहुंच से बाहर होते हैं, या ऐसे पेपर बना देता है जिनमें पेपर वाली चीज़ ही कोई नहीं होती, उसमें असेस करने वाली चीज़ ही कोई नहीं होती, मैनेजमेंट वीक है, पेपर लेट पहुँचते हैं। फिर आगे आप अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कितना बड़ा फ्लॉ है कि जो लोकल सतह पे इम्तिहानात होते थे, एईओ इम्तिहानात लेता था, उसमें उन इम्तिहानात की क्वालिटी कहीं बेहतर होती थी आज जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इम्तिहान लेता है। लाहौर बोर्ड आज से 10 साल पहले जो इम्तिहान लेता था, उस इम्तिहान की क्वालिटी कहीं बेहतर होती थी उस इम्तिहान से जो आज लाहौर बोर्ड लेता है, या साहिवाल बोर्ड लेता है, या मुल्तान बोर्ड लेता है। इसकी क्या वजह है? आपने आज से 15 साल पहले कभी सोचा था कि कोई बच्चा जो है वो 1100 में से जो है वो आपको पता चले कि वो जनाब 1050 नंबर ले गए, या 1100 में से 1070 नंबर ले गए? ये आज से 15 साल पहले कोई सोच सकता था? ये आज आप पाकिस्तान के अंदर ये देखें, ये होता है कि जनाब 1100 नंबर है, उसमें से कोई बंदा जो है वो 1090 नंबर ले जाता है। उसकी वजह यह है कि असेसमेंट सिस्टम में रहा ही कुछ नहीं है, असेसमेंट सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि उसके अंदर से नंबर लेना और उसको मैनिपुलेट करना इतना आसान हो गया है कि अब हमारे जो नंबर्स हैं वो मीनिंग लेस हो गए हैं। अब एक नंबर्स की गेम शुरू हो गई है, हर बंदा जो है वो ये चाहता है कि नंबर ज़्यादा हो, जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो कॉन्सेप्ट हैं वो पीछे छोड़ दिए गए हैं। कोई बंदा ये नहीं पूछता किसी स्कूल से कि आया आपने, आपके बच्चे ने जो है वो मैट्रिक के अंदर जो है वो 1090 नंबर लिए हैं, क्या आपने इसको प्रैक्टिकल भी करवाए थे या नहीं, क्या इसको पता है इन कॉन्सेप्ट्स का, ये इनको समझता है? तो जो इस वक्त जो है रॉट मेमोराइजेशन हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है कि हमारा असेसमेंट सिस्टम चेक ही रॉट मेमोराइजेशन को करता है। हमारा असेसमेंट सिस्टम चाहता ही है कि स्टूडेंट जो है वो रिप्रोड्यूस करें, वट एवर इज रिटन ऑन देयर टेक्स्ट बुक दे मस्ट रिप्रोड्यूस इट इन देयर एग्जाम। तो रिप्रोडक्शन का एक फाइट जरूर चल रही है। ओवरऑल जो क्लैरिटी है, जो लर्निंग है और जो असेसमेंट इन द रियल सेंस है, वो एब्सेंट है इस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम से। अभी आप ये भी देखें कि हमारे यहाँ जो ये टीचर्स हैं, सरकारी टीचर्स जो हैं, इनकी ड्यूटियाँ देखें कितनी लगती हैं। ये अभी आजकल मर्दमशुमारी हो रही है तो ये टीचर सारे मर्दमशुमारी के अंदर मसरूफ़ हैं। जो बच गए हैं, आजकल मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये वहाँ पर मसरूफ़ हैं। उसके बाद जनाब इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन की ड्यूटियां लगानी शुरू करते हैं, पोलियो के कतरे पिलाने हैं तो वो ड्यूटियां शुरू कर देंगे, कोई और हल्का बंदियां करनी है, वोटरों का इंदराज करना है, वो ड्यूटियां शुरू कर देंगे। मतलब आप नाम नहीं ले सकते, ये कोई नया बच्चा पैदा हुआ है तो वो सरकारी टीचर अपनी फाइल उठाएगा और उस बच्चे के घर जाएगा कि बताएं जी आपका बच्चा जो है वो कहाँ पढ़ता है। मतलब नए बच्चों का इंदराज, पैदा होने वाले बच्चों का इंदराज, ये भी सरकारी टीचरों के हाथ से हम कराते हैं। तो जब आपने सरकारी टीचरों से काम ही ये कराना है तो फिर आप उनसे ये तवक्को क्यों रखते हैं कि वो कोई काम करके भी दिखाएंगे, वो पढ़ाएंगे भी? आपने तो उनको पढ़ाने के लिए भर्ती नहीं किया, आपने सारे काम सरकारी टीचर के जिम्मे डाल दिए। सरकारी टीचर का काम है सुबह सुबह फाइल पकड़े, अपनी क्लास छोड़ दे, वो ये काम करे जो सरकार ने उसके जिम्मे लगाए हैं, वो सारा दिन यही काम करते रहते हैं। वो कभी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे से तीसरे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे। तो जब वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो फिर जहरी बात है, और एंड पे आप उन्हें ये भी कहेंगे कि अगर पास ना हुए तो तुम्हारी नौकरी के ऊपर ये असर होगा, या तुम्हें प्रमोशन रोकेंगे, या तुम्हारी ट्रांसफर रोकेंगे, या तुम्हारी तनख्वाह रोकेंगे। तो फिर जहरी बात है कि उनके पास एक ही तरीका है कि आपके असेसमेंट सिस्टम को जो है वो फेल करें, और वो फिर फेल करते हैं क्योंकि आप उनके साथ सलूक ही ये करते हैं, इसके अलावा कुछ चाराकार ही नहीं बचता उनके लिए। तो ना सिर्फ ये हमारे असेसमेंट सिस्टम की नाकामी है, बल्कि हमारा पॉलिटिकल और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम जो है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि असेसमेंट सिस्टम को नाकाम किया जाए। और इस असेसमेंट सिस्टम की नाकामी की वजह से हमारी डिग्रीज की जो वर्थ है इंटरनेशनली वो जीरो हो चुकी हुई है।
अब आप आगे आए तो आप अब देखें कि ये जो मैंने आपसे ये पहले बात कर दी है कि ये असेसमेंट सिस्टम की एक नाकामी ये भी बताई है कि वहां पे एक्सपर्ट्स नहीं है, ये डीएमजी ब्यूरोक्रेट लोग जो हैं ये सारे के सारे बोर्डों के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। ये आपकी ये जितने भी इदारे हैं आपके, इनके अंदर भी यही सूरत हाल है कि आपके जो नाहल लोग हैं वो इन इदारों के अंदर बैठे हुए हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह जो है वो अपनी नौकरी को पक्का करे। वहां पे एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए, उस शोबे के माहरीन नहीं बैठे हुए जो कि सिस्टम्स को बेहतर करने की कोशिश कर सके। तो जब तक हम ये तीन काम नहीं करते, यानी सबसे पहला काम कि हम जिस शोबे के अंदर जिस बंदे की जरूरत है उस बंदे को वहां पे प्लांट नहीं करते, उस बंदे से काम नहीं लेते, और सिफारशी लोग जो हैं जो हमने बोर्डों के चेयरमैन बनाए हुए हैं या सेक्रेटरीज बनाए हुए हैं जिनको असेसमेंट के अलिफ बे का नहीं पता, जब तक आप उन लोगों की बजाय स्पेशलाइज्ड लोगों को उन जगहों पे नहीं लगाते और जब तक आप अपने जो सिस्टम्स हैं उनको आप इस तरह से बेहतर नहीं करते कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप जो सरकारी टीचर है उससे नजायज काम लेना बंद नहीं करते, और उसको जब तक आप ये एहसास नहीं दिलाते कि उसका सबसे अहम काम पढ़ाना है, उसका सबसे अहम काम मर्दमशुमारी के डेटा इकट्ठा करना नहीं है, उसका सबसे अहम काम वोटर लिस्टें तैयार करना नहीं है, उसका सबसे अहम काम नए पैदा होने वाले बच्चों का डेटा इकट्ठा करना नहीं है, जब तक आप ये सरकारी टीचर को यकीन नहीं दिलाते आपके सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर नहीं हो सकती। और ये जो सारे काम हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि आप जो हैं वो आने वाले जो वक्त है अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बेहतर हो तो आपको इन चीज़ों को बेहतर करना होगा, उसके बाद ही हमारे इम्तिहानी निज़ाम पे दुनिया का जो यकीन और एतमाद है वो पुख्ता होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।